हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंगरौली जिले का एक अजीबोगरीब पार्क देखेंगे। इको पर्यटन क्षेत्र माड़ा मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में है, जो कि सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न से 40 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो चलिए हम आज देखते हैं माड़ा का पार्क। तो आप देखिए, यहाँ का पार्क बहुत ही अच्छा स्वरूप है। तो ये रहा तालाब। इस तालाब में नाव की यात्रा करने की सुविधा है। नाव की मदद से इस पार से उस पार जाते हैं। यहाँ पर जीप लाइन है, इसके माध्यम से हम इस पार से उस पार जाएंगे। एकदम नाला को डाकते हुए इस पार से उस पार जाने का ये जीप लाइन बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम अब नाले को पार कर चुके हैं। यह पार्क एकदम जंगलों के बीच में स्थित है, जो कि प्रकृति के आधार पर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर रोज हजारों लोग आते रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक बंदर है जो पानी पी रहा है शायद, और एक पेड़ पर बैठकर खाना भी खा रहा है। यहाँ पर पेड़ों के बीच झूला लगा हुआ है, जिसका आनंद लिया जा रहा है, आप भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आराम से संवेदनशील क्षेत्र है। एकदम जंगलों के मध्य एक ऊंचे जगह पर बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर आप अब बैठ सकते हैं। आपने देखा, एक तरफ से चढ़कर आए हैं, अभी एक तरफ से नीचे उतर के चलेंगे आगे। तो ये देखिए, बहुत ही घनघोर जंगल है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि संवेदनशील क्षेत्र, जहाँ पर खतरा है। तो यहाँ पर संभल के चलेंगे। बहुत ही अद्भुत जंगल है, बहुत ही घनघोर जंगल है। यहाँ पर एक झील है जिसे हम देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर इसी तरह की वीडियो और घर परिवार से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झील देखने के बाद हम आपको बीवा माड़ा दिखाएंगे, तो वहाँ की गुफाएं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और झील के पास बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा वेट कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको दिखाया जाएगा और यहाँ के बारे में कुछ बताया भी जाएगा। जैसा कि हम अभी पहुँच चुके हैं, आप देखिए बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है, जो चैनल पे जल्द अपलोड किया जाएगा। ये देखिए, बहुत ही ऊपर से, एकदम ऊपर से पानी गिर रहा है, एकदम पहाड़ के ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर रहा है पानी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का पानी बहुत ही शीतल, बहुत ही
ठंडा होता है। खास बात तो यह है कि यह पानी कभी भी सूखता नहीं है, इतना बराबर ही चलता है, चाहे गर्मी हो या बरसात या ठंड का मौसम, यह हमेशा इतना ही चलता रहता है। तो चलिए कुछ प्राकृतिक रूप से पानी का आवाज़ सुन लीजिए। हम झरना देख चुके हैं, तो चलिए विवाह माड़ा देखते हैं। तो चलिए माड़ा का गुफा दिखाते हैं, अंदर चलते हैं और गुफाओं से रूबरू कराते हैं आपको। तो चलिए पूरे माड़ा के गुफाओं को घूमेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा गुफा का स्वरूप, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अब देख सकते हैं ये गुफा बहुत ही एकदम घरों की तरह है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं अंदर तो आप गीला पानी शायद है, तो आपको नहीं दिखा सकते अंदर जाकर। आप देख सकते हैं बाहर से एकदम घरों की तरह है, छोटा छोटा क्वार्टर, जो पोल है पोल पर कुछ लिखा है और बहुत ही अच्छे से चित्रांकन किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पोल है, द्वार का गेट है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। आप देख सकते हैं, चलिए दूसरी गुफा में चलते हैं। ये दूसरा गुफा अंदर है, आप देख सकते हैं एकदम पोल बहुत ही विशाल, बहुत ही पुराना, एकदम पत्थरों से बना, एकदम ऊपर छत देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। यह 7वीं 8वीं की पहले का ही है पूरा वीडियो, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से घर बनाया गया है। और अंदर जाएंगे तो पहाड़ में बहुत ही अंदर में है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, इतना रिस्क नहीं लेना है हमें, बट हम इतना आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम यह पोलों का ऐसा चित्रांकन किया गया है जैसे राजा महाराजा मंदिर बनवाए थे, ऐसा लगता है कुछ न कुछ इस पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, अब आपको दिखाएंगे दूसरा छत। आप देख सकते हैं नीचे एक बना था, अब उसके ऊपर है, एकदम पहाड़ के ऊपर से आप कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। ये ऊपर में आपको दूसरा छत दिखाया जा रहा है, जो कि नीचे इतना अच्छा और इतना भयानक नहीं है, बट गुफा तो गुफा है। यहाँ पर पिछले प्राचीन काल से ही यह निर्मित स्थान जो बना है, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही बना होगा, तो अच्छा ही है, जो कि एकदम पत्थरों से बना है। जैसा कि इसके अंदर की पूरा पत्थर को काट कर निकाल दिया गया है और बहुत ही अच्छे से छेनी हथौड़ी से इसका चित्रांकन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एकदम गेट को सजाया गया है। तो चलिए यहाँ का एक झलक पूरा स्वरूप देखते हैं।
We'll be right back.